नमस्कार, मैं उमेश भरतपुरिया आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस बेहद ही खास और रोचक कार्यक्रम जिसका नाम है क्या आप जानते हैं। दोस्तों, हमने अपनी सीरीज में अभी तक बात की कई ऐसी जगहों के बारे में, कई ऐसे मेलों के बारे में, कई ऐसी चीजों के बारे में और कई ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनकी बातें आपसे अनसुनी या अनकही थी। तो इसी सीरीज में आज हम लेकर आए हैं बेहद ही खास शहर के बारे में कुछ रोचक जानकारियां और उस शहर का नाम है कश्मीर। दोस्तों, आपने कश्मीर के बारे में कई जानकारियां पढ़ी व सुनी होंगी, कई बहसें सुनी होंगी, लेकिन हम कुछ ऐसी रोचक तथ्य व जानकारियां आपको बताएंगे जिनसे शायद आप अभी तक अनसुने और अछूते हैं। तो आइए जानते हैं कश्मीर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां व तथ्य। दोस्तों, कश्मीर भारत के सबसे उत्तरी इलाके में झेलम नदी की घाटी में बसा हुआ एक खूबसूरत भूभाग है। भारतीय कश्मीर घाटी में 6 जिले हैं, श्रीनगर, बड़गाम, अनंतनाग, पुलवामा, बारामूला और कुपवाड़ा। कश्मीर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का भाग है। जम्मू खंड से और पाकिस्तान से इसे पीर पांजाल नाम की पर्वत श्रेणी अलग करती है। डल, वुलर और नगीन जैसे कई सुंदर झीलें कश्मीर की खूबसूरती को और बढ़ाती हैं। यहां का मौसम गर्मियों में सुहावना और सर्दियों में बर्फीला होता है। इस प्रदेश को धरती का स्वर्ग कहा गया है। कश्मीर का अच्छा खासा इतिहास कल्लड़ के ग्रंथ राज तरंगणी से मिलता है। प्राचीन काल में यहाँ हिंदू आर्य राजाओं का राज था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मौर्य सम्राट अशोक और कुषाण सम्राट कनिष्क के समय कश्मीर बौद्ध धर्म और संस्कृति का मुख्य केंद्र बन गया था। पूर्व मध्य युग में यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट ललितादित्य ने एक विशाल साम्राज्य कायम कर लिया था। कश्मीर संस्कृत विद्या का विख्यात केंद्र रहा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जितना कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उतना ही कश्मीर अपने उत्पादन को लेकर भी भारत में एक विशेष महत्व रखता है। यदि यहाँ से कुछ यादगार वस्तुएं ले जानी हो तो यहाँ कई सरकारी एम्पोरियम है। अखरोट की लकड़ी के हस्तशिल्प, पेपर मैशी के शोपीस, लेदर की वस्तुएं, कालीन, पश्मीना एवं जामावार शाल, केशर, क्रिकेट बैट और सूखे मेवे आदि पर्यटकों की खरीदारी की खास वस्तुएं हैं। लाल चौक क्षेत्र में हर तरह के शॉपिंग केंद्र हैं। खानपान के शौकीन पर्यटक कश्मीरी भोजन का स्वाद यहां पर लेते हैं। बाजवान कश्मीरी भोजन का एक खास अंदाज है। इसमें कई ऐसे कोर्स होते हैं जिनमें रोगन जोश, तबकमाज, मेथी, गुस्तान आदि डिश शामिल होती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कश्मीर में रहने वाले लोगों की। भारत की आजादी के समय कश्मीर की वादी में लगभग 15% हिंदू थे और बाकी मुसलमान। आतंकवाद शुरू होने के बाद आज कश्मीर में सिर्फ 4% हिंदू बाकी रह गए हैं, यानी कि वादी में 96% मुस्लिम बहुमत है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि किसी धर्म विशेष से आतंकवाद बढ़ा है, बल्कि इसका कारण ये है कि आतंकवाद ने वहाँ पर हर तरह के व्यक्ति को नुकसान पहुँचाया है। ज्यादातर मुसलमानों और हिंदुओं का आपसी बर्ताव भाईचारे वाला ही होता है। कश्मीरी लोग खुद काफी खूबसूरती से मिल बांट कर रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी कश्मीर से जुड़ी कुछ खास और रोचक जानकारियाँ जो हमने आपके साथ साझा की। दोस्तों, कश्मीर की खूबसूरती और इतिहास को लेकर कई बातें कही गई और सुनी गई हैं। इसको कई कवियों व शायरों ने अपनी कविताओं में, रचनाओं में जिक्र भी किया है। नौजवान शायर प्रबुद्ध सौरभ ने इसी संदर्भ में कहा है कि कश्मीर कायनात की वो खुशनुमा रदीफ, कश्मीर कायनात की वो खुशनुमा रदीफ, ना शायरों के हाथों जो बरती न जा सकी। यानी कि कश्मीर वाकई में एक इतनी खूबसूरत चीज थी जो राजनीतिक विवादों के बीच में और कई ऐसी चीजों के बीच में ना काबिलों, ना शायरों या फिर कुछ ऐसे लोगों से बरती नहीं गई जो उसके वाकई में हकदार नहीं थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आईएमटी मीडिया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे अगली बार फिर मुखातिब होंगे किसी नए विषय के साथ और उससे जुड़ी कुछ रोचक व खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।